जो महाप्रभु के साढ़े तीन, महाप्रभु के साढ़े तीन जो गण है उनका विशेष है, लेकिन ये स्थान इतने पवित्र, इतने पवित्र, यहाँ पर जो ढाई ढाई जो उनका अंतरंग भक्त में ढाई लोगों का जन्म हुआ है। कहते श्री राय रामानंद, कहते राय रामानंद कौन है, कहते श्री राय रामानंद कौन है, कहते राय रामानंद ये स्वयं विशाखा सखी, महाप्रभु जैसे पूर्ण है उनका भक्त लोग भी पूर्ण है। एक में तो राय रामानंद कौन श्री, एक तो राय रामानंद महाप्रभु का परिकर में कृष्ण लीला में ये विशाखा है, और इनका जो तृतीय स्वरूप है कहते अर्जुन भी इनके शरीर में आए हैं, श्री अर्जुन। और तीसरा कौन है, कहते एक अर्जुना सखी, कहते इनके अंदर में ये अर्जुना सखी भी आए, और इनके अंदर में कहते श्री जो ललिता के कुछ अंश भी इनके अंदर में, कहते इनके अंदर में पांच भक्त इनके अंदर में, महाप्रभु परिकर पूर्ण है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल, लिसनिंग हरि कथा। इसलिए यहाँ पर कहते यहाँ पर सारे भक्त लोग यहाँ पर जन्म हुए, और सिखी माई थी और माधवी देवी है, सिखी माई थी महाप्रभु के साढ़े तीनों में ये सिखी माई थी, श्री राय रामानंद और माधवी ये आधा, इसलिए यहाँ पर ढाई भक्त लोग यहाँ पर अंतरंग में जन्म ग्रहण किए। पर समझो ये स्थान कितने पवित्र, और कितने पवित्र ये स्थान है, अत्यंत पवित्र स्थान ये है। इसलिए श्री राय रामानंद उसी समय गवर्नर थे, और ये स्वयं विशाखा सखी रस की चरम प्राप्ति महाप्रभु गंभीरा में जब राधा जी के भाव में विभावित होते थे। अभी राधा जी की क्या क्या भाव है, उसी भाव के अनुरूप ये राय रामानंद उनके भाव को बढ़ाया करते थे। इसलिए श्री राय रामानंद पहले श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जो मायावादी थे, लेकिन हर समय श्री राय रामानंद प्रेम रस भक्ति रस को वर्णना करते थे, लेकिन सार्वभौम समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब महाप्रभु की कृपा में जब ये भक्त बन गए, फिर समझे ये राय रामानंद कितने बड़े रसिक भक्त है। जब महाप्रभु दक्षिणी जा रहे थे, बोले प्रभु आप दक्षिणी जा रहे हो, अगर आपकी उपयुक्त अगर कोई एक संगी कोई है, केवल एक व्यक्ति श्री राय रामानंद, पहले मैं नहीं समझता था, अब जरूर उनसे मिलना। और महाप्रभु तो इसलिए जा रहे थे, महाप्रभु तो इसलिए जा रहे थे राय रामानंद से मिलने के लिए। फिर उन्होंने कैसे राय रामानंद तो साथ में वहां पर गोदावरी को किनारे में वहां पर प्रभुपाद ने गौड़िया मठ स्थापन की, हम लोग वहां पर गए थे, बड़ा सुंदर स्थान है जहाँ पर श्री राय रामानंद संवाद जहाँ पर हुई है। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये राय रामानंद संवाद जो हुई इसका रहस्य क्या, गुरुदेव कहते थे अभी जब तक जीवन में कोई गुरु नहीं होना, बोले तब तक जीव कभी भगवत भक्ति रस में प्रवेश नहीं कर सकते। अभी महाप्रभु राधा जी की भाव को आस्वादन करने के लिए आए, अभी तो गुरु चाहिए, बगैर गुरु के तो रस आस्वादन नहीं कर सकते। लेकिन जो जितने बड़े वो उतना बड़ा गुरु चाहिए, और महाप्रभु किसको गुरु बनाए, प्रेम रस के गुरु बनाए, भक्ति रस का गुरु भी ऐसे होनी चाहिए ना। इसलिए कहते राय रामानंद कौन है, बोले ये अनुराधा विशाखा, ये अनुराधा। अनुराधा मतलब है वो राधा रानी की जितने गुण है कहते ये विशाखा में विद्यमान। इसलिए जब कभी कभी कृष्ण राधा रानी नहीं होती थी, उसी समय कृष्ण ये विशाखा सखी को राधा रानी के पक्ष में, राधा रानी के रोल में ये विशाखा को रख करके लीला करते थे। इसलिए राधा जी के जितने भाव इनके अंदर में विद्यमान है, इसलिए महाप्रभु अभी राधा जी की भाव का आस्वादन करनी चाहिए। अभी गुरु किसको बनाए, इसलिए उन्हें राय रामानंद को गुरु बनाए, और गुण बना करके महाप्रभु उनको प्रश्न किए, कहते भगवत गीता क्या है, अर्जुन प्रश्न करता है, कृष्ण उत्तर देता है, लेकिन राय रामानंद में संवाद में यहाँ पर महाप्रभु प्रश्न करते हैं और राय रामानंद यहाँ पर उत्तर प्रदान करते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो ये राय रामानंद संवाद है, गुरुदेव कहते थे जब तक ये राय रामानंद संवाद को कोई नहीं पढ़ते है ना, तब तक उसको भक्ति रस है क्या चीज उनको पता नहीं चल सकता। इसलिए ये राय रामानंद
हमें संवाद में पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम जानते भक्ति भक्ति है। हाँ शांत दास सख्य बात्सल मधुर, अरे मधुर रस में भी तरह तरह का तारतम्य है, रस ही रस है। लेकिन ये राय रामानंद संवाद जब पढ़ते हैं, फिर ये कर्म मिश्रा भक्ति किया, ज्ञान मिश्रा भक्ति किया, फिर शुद्ध भक्ति किया, फिर शुद्ध भक्ति में जो तारतम्य है शांत दास सख्य बात्सल मधुर रस किया, फिर ये मधुर रस में भी तारतम्य है, फिर राधा जी के प्रेम को जो सर्वतम रूप में कहते हैं राय रामानंद संवाद में, ये सारी चीज ये राय रामानंद संवाद में। फिर कृष्ण तत्व क्या है, भक्ति तत्व क्या है, ये रस तत्व क्या है, ये प्रेम तत्व क्या। इसलिए गुरुदेव कहते थे जरूर हमें ये राय रामानंद संवाद हमें पढ़नी चाहिए। अगर अपनी आप को अगर हम गौड़ीय वैष्णव बोलना चाहते हैं, जरूर राय रामानंद संवाद हमें पढ़नी चाहिए। ये संवाद पढ़े बगैर ये भक्ति रस हमें पता नहीं चल सकती, जरूर इसको पढ़नी चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने राय रामानंद संवाद को पूरा एक उन्होंने ग्रंथ रूप में निकाले। इसलिए आप लोग जरूर वो ग्रंथों को पढ़ना। गुरु जी का हृदय, गुरुदेव जब श्री पुरुषोत्तम महीना में आए थे उसी समय रुके हुए थे चैतन्य गौड़िया मठ में, प्रभु होंगे चैतन्य। हाँ 2004 में फिर गुरुदेव ने वहीं पर उन्होंने वहीं पर राय रामानंद संवाद को बड़े सुंदर व्याख्या किया, फिर भक्तों ने उसको ग्रंथ रूप में प्रकाश किया है। इसलिए ये जो स्थली है श्री राय रामानंद प्रभु का जन्म स्थली, जब हम लोग मंदिर में जाएंगे, जब हम लोग श्री मंदिर जाएंगे बैठ करके केवल इसी टॉपिक को हम सुनेंगे, केवल राय रामानंद संवाद का श्रवण करेंगे, ठीक है। इसलिए अभी ज्यादा लेट होगा तो आप लोग कष्ट होगा, धूप होगा, पर अभी हम वहां तक चलना है। और आज शाम क्योंकि कल कुछ भक्त और कोई आ रहे हैं कोई दर्शन, उनको मुझे थोड़ी सी दर्शन करा ले जाना पड़ेगा, इसलिए आज शाम को फिर हम लोग प्रभुपाद का जन्म स्थान में जाएंगे।